राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिवसीय दौरे पर है और इस दौरान वे गढ़चिरौली में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। उसके बाद शाम करीब 4:30 बजे वे कोराड़ी मंदिर में आगमन उनका होगा, जिसके बाद महालक्ष्मी की पूजा में वे शामिल होगी। उसके बाद सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी वे करेंगी। यहाँ पे हर्षोल्लास हो रहा है, बहुत जनता को बहुत खुशी हो रही है कि महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी विदर्भ में उपराजधानी नागपुर के कोराड़ी में महालक्ष्मी मंदिर में आ रहे हैं। 4:30 बजे उनका आगमन होने वाला है और ये आगमन हमारे सबके लिए बहुत ही आनंददायी है। महालक्ष्मी जी की पूजा करके, कोराड़ी महालक्ष्मी जी की पूजा करके जो हमारा शक्तिपीठ है महाराष्ट्र का, उसके बाद जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अप्रतिम, देश का नंबर एक, ऐसा कहीं देश में नहीं ऐसा रामायणा कल्चरल सेंटर, माननीय बनवारलाल जी पुरोहित जो हमारे महामहिम है, इनकी इन्होंने यहाँ पर भारतीय विद्या भवन के माध्यम से बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, आप भी देख सकते हैं। और उसके साथ 1857 की जो लड़ाई हुई थी, उस तब से आज तक का भारत माता का इतिहास जो हिस्ट्री है वो भी वहाँ पर है। तो हम जब अंदर जाते हैं 4 घंटा लगता है देखने के लिए, इतना सुंदर बनाया है। तो उसका उद्घाटन माननीय हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी कर रही है, ये हमारे लिए बहुत सुंदर क्षण है, हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है। और हम परसों से जो ये खुलेगा जनता के लिए, भारतीय विद्या भवन ट्रस्ट से बनाया हुआ रामायणा सेंटर, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये देश के लिए उपलब्धि है, महाराष्ट्र के लिए उपलब्धि है। इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, राष्ट्रपति जी का और माननीय बनवारीलाल पुरोहित जी का। साथ में हमारे राज्यपाल मोदी जी आ रहे, साथ में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी आ रहे, देवेंद्र जी है, नितिन गडकरी जी है, सारे लोग हैं, तो ये बहुत अच्छा दिन है।